गवर्नमेंट से बात नहीं है, हमारी मंथली मीटिंग होगी, ये तीन चार पॉइंट्स जो बीएसएफ के साथ रिलेट करते हैं उनको बीएसएफ के साथ वही है, उनके कैप्टन सर ने वो भी सुनते हैं और हमारे कैप्टन सर ने हमको बताया सर गेहूं हो गए जैसे चाहोगे बहुत लगने से ज्यादा दो जाकर पूरा बर्बाद कर देंगे, गाय गाय खा जाएंगी उनकी, उनको तो रोक नहीं सकता, पैसे आ जाते हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने गांव में जाके कैंप भी किया, थोड़ा फेस तो रिपोर्ट वहाँ पे रिपोर्ट भी डीसी आप जो हमने लिख के भी दिया सब कुछ किया लेकिन आज तक नहीं मिला जो तहसीलदार थे सर। अब ये चीजें तो बाकी ये आज कैंपस में आए राशन कार्ड अगर राशन कार्ड का काम होता है तो समझो काफ़ी हुआ इनके और लोग दूर हो जाते हैं मेरे यहाँ नहीं मिली। एक चीज़ और थी, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स बने हुए चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं चाहे जो रूरल गवर्नमेंट के हैं सभी वर्कर्स में पानी है, आप स्कूल में हाई स्कूल में बना हुआ है उसमें भी पानी सारे उस टाइम का डिजाइन था, उस डिजाइन में उसकी ऊपर से छत नहीं थी मोटी नहीं थी सर, सबने पहल की है कोई मोटी भी है लेकिन नीचे से पानी आ रहा है, नीचे से आ रहा है, नीचे से सर दीवारों से पानी आता सर क्या फायदा देखिए आज हमने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्पेशल पेंशन के रिलेटेड जो कैंप था जिसमें काफ़ी सारी जो पेंशन थी वो लोगों की रुकी हुई थी उसके लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन आज सीमावर्ती गांव ग्राम पंचायत चकदुलमा में किया गया जिसमें सभी बेनिफिशरीज़ को बताया गया कि क्या दस्तावेज़ हैं जो चाहिए पेंशन्स के लिए और क्लैरिटी आ गई सभी लोगों को और लगभग सभी लोगों के पास सारी सर्टिफिकेट्स जिनके पास मौजूद थी उनके जितने भी पेंशन अकाउंट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और विद इन वीक्स टाइम सारे के सारे जो ये पेंडेंसीज थी उसको रिमूव किया जाएगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो पेंडेंसी थी ऑलरेडी काफ़ी हद तक इसको हमने रिजॉल्व करवाया है और आने वाले टाइम पे भी एक्सरसाइज चलती रहेगी और कोई भी एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है वो ना छूटे इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरा प्रयास कर रहा है। जहाँ तक आपने बात की है जो बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की खासकर तौर के बंकर्स की तो यहाँ का जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे को बताया गया कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पे जो बंकर्स बनाए गए थे उनमें पानी का लीकेज है तो उसकी एक वेरिफिकेशन होगी और जो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी।